नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। सहारनपुर में गिल कॉलोनी स्थित एक होटल के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन फिटनेस जिम द्वारा कराया गया, जिसका उद्देश्य प्रतिभाओं का निखारना और उनका आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना है, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद राघव लखनपाल शर्मा और सत्येंद्र शर्मा का टीम की ओर से अजय कपिल, हरिओम सिंगल, तरुण शर्मा ने माल्यार्पण करते हुए पगड़ी और शॉल उड़ाकर स्वागत किया, जिसके बाद सरायघाट ऑल इंडिया इंटर रेलवे चैंपियन टाइटल विनर को सांसद राघव लखनपाल शर्मा व सत्येंद्र शर्मा ने माल्यार्पण करते हुए पगड़ी और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इन्विटेशन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, जिसको सराई घाट के नाम से कुछ टाइटल सराई घाट दिया गया, मिस्टर सराई घाट। और ये पहली बार नहीं, मैं सराई घाट का टाइटल चौथी बार लेता हूँ। सहारनपुर में दो दिन से बंद पड़ी इंटरनेट सेवा के चलते आज इंटरनेट सेवा को बहाल करने के लिए छात्राओं ने जिला अधिकारी पीके पांडे को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि इंटरनेट सेवा बंद होने से विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिससे छात्राओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। LLB सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल है, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद होने से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिससे सैकड़ों की संख्या में छात्राएं वंचित रह जाएंगे। जिसके बाद छात्राओं द्वारा ज्ञापन देने के बाद DM साहब ने एक घंटे में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कुछ ही समय बाद इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई। आज हम छात्राओं की समस्या को लेकर जिला अधिकारी साहब को ज्ञापन दिया है, जिससे दो दिन से जो इंटरनेट सेवाएं बंद पड़ी हैं, जिससे छात्राओं के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जा रहे और भी सरकारी कार्यालय में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सहारनपुर में सांसद राघव लखनपाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ जल की 12 गाड़ियों को रवाना किया गया। सहारनपुर में स्वच्छ जल जनता तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें नगर निगम की सहमति से शहर के मुख्य स्थानों पर स्वच्छ जल की 12 गाड़ियां खड़ी की जाएंगी, जिससे RO का स्वच्छ जल जनता को मिल पाएगा। सहारनपुर नगर वासियों को स्वच्छ पानी अवेलेबल कराने हेतु आज एक मुहिम छेड़ी गई है। नगर निगम की अनुमति लेते हुए ये भारत जल के ऐसे 12 जो गाड़ियां हैं जो स्वच्छ RO वाटर लोगों को देंगी, वो विभिन्न स्थानों पर खड़ी रहेंगी। जो प्रमुख स्थान है, घंटाघर है, रायवाला मार्केट है, इस प्रकार से 12 जगह चिन्हित की गई हैं। तो आज उनको फ्लैग ऑफ किया गया है, उनका उद्घाटन किया गया है। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि स्वच्छ भारत हो, यहाँ यदि हम स्वच्छ पानी पिएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और 2022 तक हर गांव हर घर तक हमें स्वच्छ पानी पहुंचाना है।